नीतीश कुमार की औकात है कांग्रेस को सलाह देने की, जो खुद बिहार में बिना किसी सपोर्ट के सत्ता में नहीं आते, वो औकात उनकी औकात है सलाह देंगे राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी को? लेबर बन के सिर्फ और सिर्फ पूरे देश में बिहारी जाते हैं और वो देना है लालू और नीतीश की? अभी भी बिहारी नहीं समझेंगे ना, ये चुनाव 24 का खत्म होने दीजिए। कोई आपके घर में ना पैसा पहुंचाने नहीं आएगा, 600 रुपया पड़ोसी से कर्जा मांग के गुजरात अहमदाबाद मुंबई दिल्ली का टिकट कटा के लेबर गिरी करना पड़ेगा। जाति के नाम पर वोट देते रहिए। इंडिया गठबंधन, जिसको लेकर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आगे आने वाले वक्त में क्या इंडिया गठबंधन बना रहेगा या फिर ये टूट जाएगा, बिखर जाएगा। अब ऐसे में लोग क्या कुछ कहते हैं, 2024 के चुनावों तक क्या इंडिया अलायंस टिक पाएगा, नहीं टिक पाएगा, आइए चलते हैं और लोगों से जानते हैं। सर, सवाल ये है, क्या लगता है 2024 तक विपक्षी गठबंधन इंडिया टिक पाएगा, नहीं टिक पाएगा, क्या देख रहे हैं भविष्य? देखिए, 2024 तो बहुत अब मतलब आगे निकल गया, 2019 में भी इन लोगों ने गठबंधन किया था, हुआ क्या रिजल्ट? हम बड़ा तो हम बड़ा, पीएम पद पे मैं ही बैठूंगा तो मैं ही बैठूंगा, इसी में लड़कट मर के सब इतिर बितिर हो गए। नहीं, ये गठबंधन है, अब ये लोग क्या सोचकर गठबंधन बनाया है, और बस शर्त एक विकल्प के तौर पर एक अच्छा है, अच्छा प्रयास है इन लोगों का। विपक्ष का होना इस देश में बहुत ज़रूरी है। अभी जो विपक्ष बिखरा हुआ है, इसका नतीजा आप देख रहे हैं, सरकार तानाशाही रवैया अपनाए हुए है। कई मामले में आपने देखा होगा वो सुनने को तैयार नहीं है। हम लोग वही कई बार अपने मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते आए, नौकरियों को लेकर किस पे, लेकिन सरकार सुनती नहीं है। तो उसके लिए एक मजबूत विपक्ष का भी होना ज़रूरी है, और हम लोग चाहते भी हैं कि इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़े और एक मजबूत, अगर सत्ता में नहीं आती तो विपक्ष के रूप में काम करे। नहीं, कांग्रेस ने काम तो बड़े बड़े किए हैं देश के लिए, काम तो मोदी सरकार ने भी किए हैं, लोगों को पता नहीं इस चीज के बारे में, ये सच्चाई है। क्या लगता है 2024 तक इंडिया गठबंधन टिक पाएगा, नहीं टिक पाएगा, क्या कहेंगे? हमें कुछ नहीं मालूम, फिर भी क्या लगता है मोदी सरकार आएगी? हमें खाली मोदी याद है, बस मोदी याद है, कोई और याद नहीं, कोई नहीं, मोदी योगी, मोदी योगी, मोदी योगी चलने वाले 24 में। इंडिया गठबंधन का तो आने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि उनके खुद के गठबंधन के अंदर आपस में ही बिखराव है। अखिलेश यादव जिस प्रकार से कांग्रेस के ऊपर निशाना साध रहे हैं, जिस प्रकार से नीतीश कुमार का है कि भाई हम प्रधानमंत्री के सबसे योग्य उम्मीदवार हैं, ममता बनर्जी का है कि भाई हम एक बड़ा सूबा चला रहे हैं और उनको भी है कि हम प्रधानमंत्री बने, और ये लोग सभी लोग प्रधानमंत्री के कैंडिडेट। क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन के अंदर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी अन्य दलों को क्या खटकने लगी है, ये बताइए। कांग्रेस पार्टी अन्य दलों को 2024 में नहीं खटक रही है, 2014 से खटक रही है, तभी तो ये नौबत आई है 2024 में इंडिया अलायंस बनाने का। खटक तो 14 से रही है, समझ इनको, इनको 24 में आया है, फिर इकट्ठे क्यों हुए, फिर इकट्ठे क्यों हुए, जिनको छोटा वर्ड खटकना नहीं समझ पा रहा है कि हम देश की जनता के समझ में नहीं आ रहे हैं, इनको ये समझ में नहीं आ रहा है देश चलाएंगे, दुनियादारी चलाएंगे। आज यूक्रेन पे जो हो रहा है, अगर भारत पे हुआ होता, कांग्रेस की सरकार होती ना, यहाँ जितने कैमरा लेके खड़े हैं सबके हाथों में कटोरा होता। एनडीए में देखिए तो एक ही एक बंदा ऐसा है जिसको पूरी पार्टी, जो भी एनडीए गठबंधन के सहयोगी दल है, सब लोगों ने सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी को अपना प्रधानमंत्री का 2024 के लिए भी उम्मीदवार चुना हुआ है। मतलब आपको लगता है कि विपक्षी गठबंधन के पास कोई चेहरा नहीं है और एनडीए के पास है उनका चेहरा? हाँ, ये अस्पष्ट है, एक अस्पष्ट चेहरा देश के सामने है जो एनडीए की तरफ से है, नरेंद्र मोदी है, और इनका ट्रैक रिकॉर्ड जो अभी 9.5 साल का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, और जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत का नाम ऊंचा किया है। मोदी सरकार के अलावा आपको कौन लगता है? हाँ। कोई टक्कर में नहीं, कोई टक्कर ले पाएगा मोदी सरकार की? मोदी सरकार की टक्कर कोई लेने के लिए हो तो बता दो आप, कोई टक्कर में नहीं है। कहीं ना कहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया के अंदर ही टकराव देखने को मिल रहा है। एमपी के अंदर अखिलेश यादव कांग्रेस पर निशाना साधते हैं, नीतीश कुमार का भी वहां पर कांग्रेस को लेकर निशाना साधने लगते हैं कि इनका जो है ध्यान है सीधा सीधा चुनावों पर है, सिर्फ 5 राज्यों के। ये सभी लोग महत्वाकांक्षी हैं, सभी को, और सभी अपने अपने राज्यों में मजबूत हैं। कई राज्यों में कांग्रेस बहुत कमजोर हो चुकी है, तो वहाँ कांग्रेस बार्गेनिंग की स्थिति में है नहीं, और वो करना चाहती है, इसलिए सब होता रहेगा। लेकिन
देखिए अब आगे क्या होता है। नीतीश कुमार जो पिछले कुछ दिनों पहले ही उन्होंने ये कहा था कि जो कांग्रेस है सिर्फ अपने 5 राज्यों के चुनावों पर ध्यान दे रही है, अपने गठबंधन पर ध्यान नहीं दे रही है, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का ये बयान जो है कांग्रेस के विरोध में और केंद्र सरकार के पक्ष में कहीं ना कहीं नहीं लग रहा कि नीतीश कुमार हो सकते कि दोबारा से पलट सकते हैं एक बार? नहीं नहीं, नीतीश कुमार बेस्ट कुमार की औकात है कांग्रेस को सलाह देने की, जो खुद बिहार में बिना किसी सपोर्ट के सत्ता में नहीं आते, वो औकात उनकी औकात है सलाह देंगे राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी को? वो खुद ये सब बोल के अपने आप को मीडिया में हाईलाइट कर रहे हैं, उनकी औकात कौड़ी के बराबर भी नहीं रह गई है, ना बिहार में ना देश में तो है ही नहीं। क्या कह रहे हैं आप? मुझे ऐसा लगता है भाई साहब ने जो भी कहा कि किसी को किसके बोलने का औकात, ये सब हम लोग कौन होते तय करने वाले किसको बोलने का क्या होगा, लेकिन नीतीश एक अच्छे नेता है। अच्छे नेता है नहीं है, भी थे मरे नहीं, अभी वो जिंदा है और एक अच्छे नेता। हम बिहार से हैं, होंगे नहीं, होंगे नहीं है, इसलिए हम बता रहे हैं। नहीं आप कहीं से रहे उससे हमको मतलब नहीं है। नीतीश कुमार एक अच्छे नेता है और एक अच्छे सीएम भी है। उन्होंने नहीं, ठीक है कोई बने उससे क्या करना है। उन्होंने अगर ये कहा कि कांग्रेस 5 राज्यों में ध्यान दे रही है तो उसमें दिक्कत क्या है, गलत क्या कहा उन्होंने? कांग्रेस 5 राज्यों में ध्यान दे रही है और देना भी चाहिए उसे। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि ये कोई गलत दे रहा है, कुछ उनको समय देना चाहिए था इस गठबंधन के लिए भी, वो नहीं दे पा रहे हैं, चुनाव के बाद देंगे। तो लगता है 2024 तक टिक पाएगा ये गठबंधन? उंगली उठाना ठीक नहीं है, नीतीश कुमार पे उंगली उठाना ठीक नहीं है कह रहे हैं? एकदम नहीं। देखिए चीज यार, बोल रहा ना तो चुप रहा, संजीवनी से बिहार क्या हुआ, क्या कह रहे हैं? एक मिनट, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? चुप हो जा, एक मिनट बताइए बताइए, क्यों बोल रहे हो जब मैं बोल रहा हूँ तो आप ही बोल रहे सामने से, तो चुप हो जाइए। एक एक करके बोले, एक एक करके, हाँ बताइए क्या होता है? कोई नहीं बताइए, नीतीश कुमार जी के बारे में आप क्या कह रहे हैं? एक भाई ने कहा कि बीजेपी के ऑक्सीजन पे जिंदा है। एक चीज याद रखो कि अगर नीतीश कुमार नहीं होता तो बीजेपी को बिहार में इतना सीट नहीं आता। और सुन लो बिहार में बीजेपी अकेले लड़के देख ले, कभी सत्ता में नहीं आएगी। और बिहार में अगर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ नहीं होते तो आरजेडी में आज भी सत्ता में होते, याद रखिएगा। नीतीश कुमार सत्ता में होते समझ लीजिए, कितना पढ़ा लिखे होते महाराज, आज वो हैं, आज वो हैं, होते कहाँ, आप मतलब सेंस है ही नहीं, क्या बोल रहे हैं, शब्दों पे ध्यान ही नहीं है, आज भी हैं। सुनिए नीतीश कुमार इतने सुनिए मुख्यमंत्री हैं तो बिहार की बेरोजगारी आए दिन बढ़ती क्यों जा रही है? आज वहाँ पे युवा पलायन कर रहे हैं, पूरे देश का मामला नहीं है सर। आपको कहाँ बिहार में जाके नौकरी कर रहे हैं? थोड़ा दो चार नाम बता दीजिए दिल्ली वालों का, चार नाम किसी सरदार का बता दीजिए, चार नाम किसी हरियाणवी का बता दीजिए, क्या बात कर रहे हैं महाराज? फर्जी में आके कुछ भी टोपी लगा के कंपनियों में आप जाइए, L&T काम फर्जी नाम है ना, आप L&T में जाइए, काम कर रहा है दिल्ली का पंजाबी या हरियाणा का काम कर रहा है? नहीं तो लेबर लगे हुआ नहीं, अगर बिहार में नहीं है तो क्यों गया बिहार? क्या लगता है नीतीश कुमार में आपको संभावनाएं लगती है इस गठबंधन को संभालने की और आगे प्रधानमंत्री बनने की? एक अभी 1.5 लाख नौकरी दिया नीतीश कुमार ने, 1.5 लाख दिया है, 19 साल हो गया सत्ता में बैठे हुए, अभी 1.5 लाख दिया है 19 साल में, अभी 1.5 लाख दिया है, बताओ पूछिए इनसे अभी क्यों दिया है? ये कह रहे हैं कि बिहारी लोग जाते हैं नौकरी करने लेबर के लिए, कौन दिल्ली वाला बिहार में जाता है, कौन पंजाब वाला जाता है, कौन हरियाणा वाला जाता है, कौन हिमाचल वाला जाता है, और जाते भी हैं, ऑफिसर क्लास बन के जाते हैं, इंजीनियर बन के जाते हैं, सुपरवाइजर बन के जाते हैं, लेबर बन के सिर्फ और सिर्फ पूरे देश में बिहारी जाते हैं, और वो देन है लालू और नीतीश की। अभी भी बिहारी नहीं समझेंगे ना, ये चुनाव 24 का खत्म होने दीजिए, कोई आपके घर में ना पैसा पहुंचाने नहीं आएगा, 600 रुपया पड़ोसी से कर्जा मांग के गुजरात अहमदाबाद मुंबई दिल्ली का टिकट कटा के लेबर गिरी करना पड़ेगा, जाति के नाम पर वोट देते रहिए। अच्छा ये अभी एक बताइए 15 से 18 साल बीजेपी नीतीश कुमार के साथ सत्ता में रही बिहार में, क्यों नहीं वहाँ लगाया? सड़क बना, अपराधी घटना कम हुई, बिजली घर घर पहुंची, सुनिए शिक्षा मित्र उसी टाइम में भर्ती हुआ। सर आपसे पूछा चाहूंगा, एक मिनट रुके, सबको मौका दीजिए, ठीक है आइए सर, सबसे बात कर रहे हैं
सर क्या नाम है आपका? राजेश कुमार वर्मा। राजेश जी, सवाल यहाँ पर ये हो रहा है 2024 तक क्या इंडिया गठबंधन टिक पाएगा, क्योंकि उसके अंदर जिस तरीके से दरारें पड़ती दिख रही हैं, क्या लग रहा है आपको इंडिया गठबंधन का भविष्य? इंडिया गठबंधन टिके या न टिके, लेकिन मोदी जी को कांग्रेस टक्कर अच्छा देगी। मोदी जी को टक्कर कांग्रेस अच्छा देगी, मतलब 2024 का जो चुनाव है वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का होने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरा अपना नजरिया है। आपका अपना नजरिया है, लेकिन ये जो गठबंधन है ये क्या लग रहा है आपको, ये सब लोग एक साथ एक दूसरे को लेकर चल पाएंगे क्या? नहीं चल पाएंगे, नहीं चल पाएंगे, नहीं चल पाएंगे आपको लग रहा है तो? और ये तो कह रहे लेकिन कांग्रेस जो आने वाले समय में टक्कर देगी 19 की तरह, 19 में नहीं दी थी आपने, नहीं माना था क्या 19 में की टक्कर दे रही है? एकदम 19 की तरह टक्कर देगी, उससे भी कहीं आधा परसेंट ज्यादा टक्कर दे दे। ठीक है, तो अगर कांग्रेस जीती है तो क्या लगता है राहुल गांधी में वो प्रतिभा है, क्या देश की कमान संभाल पाएंगे, या फिर कांग्रेस पार्टी के अंदर वो कौन से नेता है जो आपको लगता है 2024 के अंदर जीतने के बाद कांग्रेस की कमान संभाल पाएंगे? देखिए कांग्रेस के अंदर, देश की भी कमान, कांग्रेस के अंदर नेता अच्छे हैं, इसमें दो राय नहीं है, ये अलग बात है कि मैं अपने नजरिए से बोल रहा हूँ। देखिए बिल्कुल कि राहुल गांधी के आगे कोई आ नहीं पा रहा है, राहुल गांधी के आगे कोई आ नहीं पा रहा है। पहले सरकारों में काम करता है।